आओ टैली सीखे के इस अध्याय में आप सभी लोगों को हमारे इस चैनल पे स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि हमारा पीछे का वीडियो जीएसटी के बारे में हमने आपको बताया था, जीएसटी सिंगल लेवल पे आप कैसे रिटर्न करेंगे, आप इनवॉइस कैसे तैयार करेंगे, ये सब चीज़ आप पीछे से देखे होंगे, तो आपको जीएसटी रिटर्न करने या जीएसटी का बिल बनाने आपको आ गया। अब उसी सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए हम आज आपको बताएंगे कि सेट जीएसटी रेट ऑन डिफरेंट लेवल इन टैली, अलग अलग रेट पे हम लोग कैसे काम करेंगे, जीएसटी टैक्स पेमेंट एंट्री करेंगे, मल्टीपुल जीएसटी रेट इन ऑन इनवॉइस पे आप काम कैसे करेंगे, या आप कहिए मल्टीपुल टैक्स रेट एंट्री एंड टैक्स पेमेंट आप कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे टैली खोल के रखे हैं, आप भी अपना एक कंपनी बना के खोल के रखिए, जो भी ज़रूरत होगा सबसे पहले कंपनी लेवल पे लेजर बना के रखिए, जो जरूरी है हम पहले ही सब बताए हैं। हम यहाँ पे एक कंपनी खोल के रखे हैं और अकाउंट इन्फॉर्मेशन में जाके सबसे पहले लेजर में चलिए और डिस्प्ले में ये देखिए जो ज़रूरी है, कैपिटल है, CGST, IGST, ये एक लोकल करके बनाए एक बैंक अकाउंट है, ये लेजर आप तैयार करके रखिए, आपको तैयार करने आता है। उसके बाद हम आपको डिफरेंट लेवल से डिफरेंट रेट के हिसाब से बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं स्टॉक ग्रुप में, कुछ स्टॉक ग्रुप बनाते हैं, उसके हिसाब से अलग अलग लेजर सेट करके हम लोग काम करेंगे। तो आप इससे बाहर निकलिए, अब हम यहाँ पे इन्वेंट्री इन्फॉर्मेशन में चलेंगे और यहीं पे हम स्टॉक ग्रुप बनाएंगे। स्टॉक ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ लिखता है क्रिएट, हम आपको समझाने के लिए ग्रुप वन ग्रुप टू बनाएंगे, आप यहाँ पे जैसा मन है जो सामान का लिस्ट आप दे सकते हैं, तो क्रिएट करिए। अब यहाँ पे पहुँचता है स्टॉक ग्रुप क्रिएशन, सपोज कीजिए ग्रुप ए हम बनाते हैं, इंटर मारिए, ये आपका प्राइमरी में चला जाएगा, इस तरह से बनाइए, ये ग्रुप हम ए बना लिए। अब इसके अंदर में हम स्टॉक आइटम बनाएंगे, तो स्टॉक आइटम बनाने से पहले हमको यूनिट ऑफ मेजर में जाने होंगे और क्रिएट करना होगा, और इसमें पीस आइटम जो भी मन है आप ये आइटम बना लीजिए, ये आपको आता है, ये भी हम बता चुके हैं। अब हम स्टॉक आइटम बनाना चाहते हैं जो ग्रुप ए में जाएगा, सपोज कीजिए कि यहाँ पे स्टॉक का नाम भी हो सकता है, हम समझने के लिए यहाँ पे लिखते हैं आइटम A1, आप इंटर मारिए, अब ये ग्रुप ए में जाएगा, A1 A2 से बनाते हैं ताकि आपको समझ में आए, ये ग्रुप ए में जाएगा, आप पीस में बेचिए और यहाँ पे है ये सब गुड्स दे करके रेट क्वांटिटी इंटर मारिए। फिर हम लोग करेंगे आइटम A2, आप इस तरह से आप आइटम क्रिएशन आपको आता है, आप पीस में जाइए और इस तरह से आप डाल के आइटम तैयार कीजिए, ये हमारा स्टॉक बनाने का तरीका हो गया। अब हम इससे बाहर निकलते हैं, अब हम कंपनी लेवल पे जीएसटी एक्टिव करना चाहते हैं ताकि एक ही रेट अगर सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारा में ले लेगा, तो इस टाइप से चलिए आप F11 दबाइए, हम पहले भी बताए थे स्टैट्री एंड टैक्सेशन में चलिए और यहीं पे देखिए लिखता है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यस करिए और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, इसको आप यस कीजिए। इसी को हम लोग बोलते हैं कंपनी लेवल पे, अगर सपोज कीजिए कि एक ही ढंग का आपको रेट सेट करना है तो कंपनी लेवल पे आप रेट सेट कर दीजिए, ऑटोमेटिक सारा में लेते चला जाएगा, यहाँ रहें ये रेगुलर रहेगा, रेगुलर कंपोजिशन सब के बारे में आपको बताए हैं, ये रहेगा आपका GSTIN नंबर लिखिए, ये मंथली हम करेंगे, ये सारा इनवॉइस एज इट इज सब रहेगा, आपको इस सब के बारे में हम पहले बता चुके हैं। अब यहीं पे पूछता है सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल्स, आप इसको यस कीजिए, यहीं पे हमारा कंपनी लेवल का बात हो गया। अब यहीं पे डिस्क्रिप्शन में सपोज कि प्राइमरी डालते हैं, आप नंबर दीजिए और टैक्सेबल पेमेंट में हम यहाँ पे 5% देते हैं ताकि 5% हमारा ये इंटीग्रेटेड टैक्स होगा, ये 2.5%
बांट लेगा, ये सब हम आपको बता चुके हैं। तो कंपनी लेवल पे आप इसका सेटिंग कर दीजिए और सेट करने के बाद आप इसको एक्सेप्ट करिए, कंट्रोल ए दबा के आप बाहर निकलिए। अब इससे आप बाहर निकलिए। अब हम लोग यहीं पे देखने के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाएंगे और हम यहाँ पे आपको स्टैटिक रिपोर्ट में जाएंगे, जीएसटी में जाएंगे और आपका यहाँ जीएसटी रेट सेटअप है। ये देखिए आपका यहाँ पे सारा ले लिया, ये देखिए 5% के हिसाब से हमने ग्रुप वन के अंदर में 2 आइटम बनाया था, ये ले लिया। अगर अल्ट एफ वन करिए तो ये दिखाता है, ये 5% आपका ग्रुप ए में आइटम ए वन में देखिए 5% लिया, आइटम ए टू हमने दिया है स्टॉक आइटम, ये भी 5% लिया। तो कंपनी लेवल में जो भी आप स्टॉक बनाते जाएंगे एज इट इज 5% ले लेगा। अब सपोज कीजिए कि हम इससे बाहर निकलते हैं, हम एक और ग्रुप बनाते हैं, सपोज कीजिए कि ग्रुप बी, उसमें सपोज कीजिए कि हम दूसरा रेट सेट करेंगे, डिफरेंट टाइप का रेट सेट करेंगे। तो आप इन्वेंट्री इंफॉर्मेशन में चलिए, आप स्टॉक ग्रुप में चलिए और फिर से एक ग्रुप बनाइए और हम यहाँ पे बनाएंगे ग्रुप बी। समझने के लिए बनाइए, ये हमारा प्राइमरी में जाएगा, करंट क्वांटिटी आइटम यस कीजिए और यहीं पे हम आपको ग्रुप में ही ये रेट सेट कर देंगे तो ऑटोमेटिक आइटम में वो खुद ले लेगा। सपोज कीजिए कि आप यस कीजिए और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन होता है तो सेकेंडरी लिख देते हैं, ये सेकेंडरी हम लोग सेकेंडरी आइटम सपोज कीजिए कि ले लेते हैं। आप इंटर मारिए, कोड कुछ है आपका तो 123 कोड दे दीजिए। अब यहाँ टैक्सेबल दीजिए और रेट सपोज कीजिए कि 5% किए तो हम इसको 12% कर देते हैं, 6-6% आपको सरकार के हिसाब से ये सेंट्रल टैक्स अपनाए बांट लेगा। ये हमारा ग्रुप बी बन गया। अब ये बनाने के बाद आप फिर से बाहर निकलिए, अब इसी में हम स्टॉक आइटम बनाते हैं, स्टॉक आइटम में आप क्रिएट कीजिए। अब सपोज कीजिए कि हम लोग बनाते हैं आइटम B1 बना देते हैं। समझने के लिए आप पेन पेंसिल बुक कलम किताब जो मन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनिक का सामान जो होगा आप उसका बना सकते हैं। हमको समझाना है इसीलिए हम लोग इस टाइप से बताते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो। समझने के लिए हम इसको अब ग्रुप बी में डाल लेते हैं, ये पीस में बेचिए, जीएसटी एप्लीकेबल है ही, ये चूंकि हम रेट सेट कर दिए हैं ये ऑटोमेटिक ले लेगा। गुड्स दीजिए और इस तरफ से बनाइए। अब हम लोग फिर से बनाते हैं आइटम B2, ये बनाइए। अब हमारा ग्रुप बी में जाएगा, पीस में बेचिए, ये एप्लीकेबल करके गुड्स करके दीजिए और इस तरह से हमारा एक 12% रेट के हिसाब से बन गया। तो ये हमारा ग्रुप बनाने का तरीका हुआ। अब फिर हम इससे बाहर निकलते हैं और हम फिर से डिस्प्ले में चलते हैं और यहीं पे हम लोग स्टैट्री रिपोर्ट देखते हैं और यहीं पे स्टैट्री रिपोर्ट देखिए और जीएसटी में चलिए और यहीं पे जीएसटी रेट सेटअप देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ग्रुप वन और ग्रुप बी बन गया। अब ग्रुप बी में चल के आप अल्ट एफ वन फिर दबाइए यहाँ से। अब देखिए ग्रुप में हमारा 12% करके दिखता है। तो इस तरह से आप यहाँ भी देख सकते हैं कि कौन सा है, अब हम 12% दिए। तो एक बात हम बता दें कि चूंकि हम कंपनी लेवल पे 5% कर दिए लेकिन चूंकि हमने ग्रुप बी में 12% किया तो वो उसको रिप्लेस करके अपने हिसाब से फिर 12% पे ले लिया। अगर आप कंपनी लेवल पे कोई दे भी देते हैं तो अगर अंदर में आके ग्रुप में अगर आप चेंज करके आइटम लेवल में चेंज करते हैं तो रिप्लेस करके वो परसेंटेज ले लेता है। अब आप फिर इससे बाहर निकलिए, सपोज कीजिए कि हम एक तीसरा ग्रुप बी के अंदर में बनाते हैं आइटम B3 जो 18% या 28% ये हम सेट करना चाहते हैं। तो चलिए फिर से बाहर निकलते हैं, आप इन्वेंट्री लेवल में चलिए, इंफॉर्मेशन में चलिए, स्टॉक आइटम में चलिए और क्रिएट करते हैं और हम लिखते हैं आइटम B3। आप इंटर मारिए, अब हमारा ग्रुप बी में हो जाएगा। आप ए में भी डाल सकते हैं, बी में डालते हैं, फीस के हिसाब से ये रहेगा
और यहीं पे हमको फिर से इसमें चूंकि हमको डिफरेंट रेट देने हैं इसलिए हम उसको यस करेंगे और सेट डेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स लिखा हुआ है यस कीजिए और यहीं पे हम लोग फिर सेकेंडरी लिख देंगे और यहीं पे इसका कोड कुछ डाल दीजिए ऑन वैल्यू है ही ये टैक्सेबल कर दीजिए और यहाँ पे सपोज कीजिए कि हम 18% देते हैं तो आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स से रेट डिफाइन करना कर सकते हैं। हमारा ये रेट तैयार हो गया गुड्स में दीजिए अब इस टाइप से हम तैयार कर लिए। अब आप इससे बाहर निकलिए फिर बाहर निकलिए अब डिस्प्ले में फिर से चलते हैं। अब यहीं पे स्टैटी रिपोर्ट में चलते हैं और जीएसटी में जा कर के जीएसटी रेट सेटअप में चलिए। अब यहाँ पे दिखाया अब आप अल्ट F1 जो ही मारेंगे ये देखिए हमारा सारा दिखाया स्टॉक आइटम दिखाया। ये देखिए 18% हम लोग ग्रुप बी में ही बनाए हैं यहाँ देता है 18% सेंट्रल टैक्स 9% स्टेट टैक्स 9% तो इस टाइप से डिफरेंट टाइप का हमने ये रेट सेट किया। अब हम कुछ भाउचर एंट्री करके सेल और परचेज करके आपको बताते हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप से रेट ये एक्सेप्ट करेगा। अब इससे आप बाहर निकलिए अब हम लोग को अकाउंटिंग भाउचर एंट्री करने आता है इधर मारिए। अब हम सबसे पहले परचेज करते हैं आप F9 दीजिए F9 देते हैं इनवॉइस नंबर 123 मारे डेट जो है डेट डालिए पार्टी नेम तो पहले हम लोकल परचेज करते हैं फिर अदर स्टेट वाले करके समझाएंगे तो हम राम लोकल करके बनाए हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो समझ में आए कि मेरा ये लोकल है और अदर स्टेट समझ में आए तो राम लोकल लीजिए। आप जो भी एड्रेस है डिटेल है सारा डालिए स्टेट आपका बिहार ही रहेगा चूँकि लोकल है और परचेज दीजिए कौन कौन सा आइटम यहाँ पर देता है। आप सपोज कीजिए कि आइटम A1 लीजिए हम 10 पीस खरीदते हैं 500 रुपया के हिसाब से ये हमारा 5000 का वैल्यू हुआ। फिर आइटम हम B1 में से ले लेते हैं हम 10 पीस खरीदते हैं 500 रुपया वैल्यू का फिर ये हो गया। अब आइटम हम B3 खरीद लेते हैं ये लीजिए अब इसमें सपोज कीजिए 10 पीस 500 रुपया के हिसाब से हम 15000 का सामान परचेज किए लोकल परचेज। अब लोकल परचेज चूँकि किए हैं तो आपको हम बताए थे CGST ये लिया हमारा और उसके हिसाब से फिर हम SGST देंगे तो ये हमारा टैक्स लिया और नाइरेशन आप इसमें लिख देंगे बीइंग परचेज लोकल राम फ्रॉम Item 1 इतना रुपया का तो 15000 रुपया मेरा हुआ और इतना रुपया मेरा टैक्स हुआ। अलग अलग रेट पे टैक्स लगा के कंप्यूटर आपको इतना दिया ये हमारा परचेज लोकल हो गया। एक परचेज हम लोग सपोज कीजिए कि ये अदर स्टेट इंटीग्रेटेड करते हैं सप्लाई नंबर में कुछ दीजिए आप जो रहेगा वो देना है भाउचर डेट डालिए। अब यहाँ हम एक श्याम अदर स्टेट बनाए हैं अब इसमें आप करिए और इसी हिसाब से इंडिया हो जाएगा क्योंकि स्टेट चेंज है तो दिल्ली लेते हैं उसका GST नंबर डालेंगे। अब हम लोग कुछ परचेज कर लेते हैं फिर खरीदिए आइटम A1 परचेज करते हैं हम लोग 5 पीस खरीदते हैं ये 2500 रुपया का। फिर सपोज कीजिए कि हम लोग आइटम B1 खरीदते हैं 10 पीस ही ले लीजिए और हम फिर आइटम यहाँ से B3 खरीदते हैं 10 पीस खरीदिए और इस तरह से इतना रुपया का हम ये अदर स्टेट के लिए परचेज कर देते हैं। तो अदर स्टेट के लिए जब परचेज करेंगे तो हम आपको बताए थे कि IGST लगता है और ये हमारा परचेज का एंट्री हो गया अदर लोकर कर लिए। कुछ हम सेल की भी एंट्री कर लेते हैं बेच लेते हैं खरीद लिए हम अब F8 मारिए आप जानते हैं रिफरेंस नंबर 456 देते हैं आपको हम राम लोकल से पहले लोकल बेचते हैं फिर अदर स्टेट बेचेंगे बेचिए ये डिलीवरी जो भी इंफॉर्मेशन है सब डाल के हम लोग आगे बढ़िए ये बिहार पूछता है लोकल करते हैं तो डालिए सेल दिया अब कुछ सामान हम लोग बेच लेते हैं। तो सपोज कीजिए कि आइटम A1 हम बेचते हैं 10 पीस बेचते हैं और हम लोग इसको सपोज कीजिए कि ये 700 या 1000 के हिसाब से हम लोग उसको बेच लेते हैं ये 10000 का हुआ। फिर सपोज कीजिए कि आइटम B1 हमारे पास है 10 पीस बेच लेते हैं
ये भी 1000 के हिसाब से बेचे, आप जितना बेचिए। ये रहा, अब एक आइटम हम B3 बेच लेते हैं। सपोज कीजिए कि 10-20 बेचिए, 1000 के हिसाब से बेच लेते हैं, और ये हमारा इस टाइप से हुआ। अब इस पर भी हम टैक्स देंगे, CGST लगाइए, और फिर हम लगाएंगे SGST लगाएंगे। ये हमारा सेल का एंट्री होगा, नरेशन लिख के आप सेल पास कर लीजिए। अब अदर स्टेट वाले के लिए भी एक सेल कर लेते हैं, तो रिफरेंस नंबर डालिए। अब यहाँ पे श्याम ऑन अदर डाले हैं, ये इंफॉर्मेशन सब डालिए, जो भी डालना होगा डाल करके निकलते हैं हम लोग। अब सेल रहेगा ही, नेम ऑफ आइटम में हमारा 5 पीस बचा हुआ है, तो हम इसमें से 3-3 पीस बेच देते हैं 1000 के हिसाब से। फिर आइटम B1 बेचिए, हम इसमें 5 पीस बेचते हैं। और फिर आइटम B3 बेचिए, हम इसमें से फिर से 5 पीस बेच देते हैं। और अब क्योंकि अदर स्टेट है, तो इस पे हम लोग IGST लगाएंगे। तो ये हमारा टैक्स लगाने का तरीका हो गया। तो अलग अलग डिफरेंट टाइप से रेट पे ये हमारा सेल्स का काम हो गया। अब हम इससे बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने पे आप इससे बाहर निकलिए, अब डिस्प्ले में चलते हैं, और डिस्प्ले में जाकर के हम लोग फिर स्टेटरी रिपोर्ट में जाएंगे, और GST में जाकर के GST 2 में हम लोग जाएंगे। तो GST 2 में हमारा GST 2R लिखता है, इसमें से ये देखिए परचेज का आपको दिखता है। तो यहाँ पे परचेज सब दिया, टैक्सेबल 2 आइटम हम बेचे हैं। यहाँ पे देखिए पूरा दिखाया, श्याम ऑन सेल और लोकल किए, स्टेट किए, और इतना टैक्स पेड किए ITC करके, इतना आपको दिया हुआ है। अब F5 मान के आप चाहे तो इनवॉइस वाइज आप देख सकते हैं। तो इस टाइप से आपको सारा दिखाएगा कि कितना टैक्स लगा, क्या हुआ नहीं हुआ। फिर इससे आप बाहर निकलिए, और फिर हम लोग इससे बाहर निकलेंगे, GS-3B में जाएंगे। तो यहाँ सेल के हिसाब से आपको दिखाया है, तो यहाँ भी आप देख सकते हैं कि कितना है। अल्ट के साथ आप F1 मारिए, तो डिटेल आपको टैक्स अमाउंट कितना देना है यहाँ पे आपको दिखता है, या इसके नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस टाइप से हमारा देता है। तो आप ये इसको देख लिए। अब यही डिफरेंस हमारा जो दिखा रहा है यहाँ पे आपको ITC वाले में, अब इससे बाहर निकलिए। अब इससे बाहर निकलने पे अब हम लोग इससे अब बाहर निकलते हैं, और रिपोर्ट में बैलेंस शीट में जाके हम लोग ये लाइबिलिटीज में देखते हैं। लाइबिलिटीज में, करंट लाइबिलिटीज में आप देखते हैं, यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स देखिए 1750 रुपया हमको दिखता है। आप यहाँ भी अल्ट F1 कीजिए, तो पूरा दिखाएगा आपको। ये देखिए ये हमारा कितना लगा GST में, ये लगा IGST, CGST जो दिए और लिए, काट के हमको ये बचा हुआ है, हमको ये देने हैं। तो इस टाइप से हम लोग वाउचर एंट्री में लाइबिलिटीज में देखते हैं। तो आपको यहाँ पे लाइबिलिटीज दिखता है। अब इसी चीज़ को सपोज कीजिए कि हम लोगों को पेमेंट कर देना है, करेंट लेवल हम लोग ये पेमेंट अमाउंट पेमेंट कर देते हैं। तो आप बाहर निकलिए, अब हम लोग इसी को आप अकाउंट वाउचर में जाइए, और पेमेंट वाउचर हम लोग करते हैं। आप F5 मारिए। अब इसको चूँकि करने के लिए हम लोग अल्ट के साथ आप S दबाइए, अल्ट और S दबाएंगे तो स्टेटरी रिपोर्ट पूछेगा। ये देखिए यही मेन है। अब चूँकि हमको पेमेंट देने हैं, हमने जो टैक्स लिया दिया उसको पेमेंट हमारा देना है, तो आप GST लीजिए। ये पीरियड फॉर्म पूछता है, आप इसको भरिए, रेगुलर रहेगा। और अब यहाँ पे हम लोग बारी बारी से सबका देंगे। सपोज कीजिए कि हम CGST करते हैं, तो हमारा यहाँ भी लिखता है 875 रुपया आप दीजिए। फिर यहाँ हम बाई ही करते हैं, और बाई में फिर SGST हो गया। अब SGST दीजिए, तो वो भी उतना ही है, 875 रुपया आप दीजिए। अब फिर बाई करिए। अब हम लोग IGST अगर आपके पास है तो वो देखिए, हमको 25 रुपया IGST रिटर्न करने हैं, तो ये पेमेंट करना है, करके हमारा इतना हुआ। और चूंकि हम बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, आप जिससे कैश से पेमेंट कीजिए, यहाँ पे चूंकि बैंक का हम खाता खोल चुके हैं, तो बैंक से हम पेमेंट देंगे। ट्रांजैक्शन टाइप में पूछता है, चेक
आप कैसे करेंगे वो दीजिए, अमाउंट दीजिए, ये रहा ये करके। अगर हम यहाँ पे पूछता है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल, अगर यस करते हैं तो किस टाइप से मोड ऑफ पेमेंट, कैश करेंगे, चेक करेंगे, क्रेडिट कार्ड करेंगे, डेबिट कार्ड करेंगे, ये पूछता है। तो आपको जो सुविधा हो उसके हिसाब से डाल के हम यहाँ पे पेमेंट नरेशन लिख करके पेमेंट एक्सेप्ट कर लेंगे। अब जो ही पेमेंट हम एक्सेप्ट करेंगे, अब आप इससे बाहर निकलिए और जब हम लोग फिर रिपोर्ट में जाके डिस्प्ले में जाएंगे तो हमारा करेंट लाइबिलिटीज यहाँ पे देखिए ड्यूटी एंड टैक्सेस नहीं है, मतलब यहाँ आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस जीरो हो गया। तो इस टाइप से अगर हमारे पास पेमेंट निकलता है, हमने लिया, हम अगर परचेज खरीद के लाते हैं तो हम देते हैं, हम अगर माल बेचते हैं तो हम दूसरे से लेते हैं, दोनों का डिफरेंस जो होता है वो हमको देने और लेने होते हैं। अगर हमने ज़्यादा ले लिया तो हमको देने होंगे और अगर हम ज़्यादा दे दिए तो सरकार हमको टैक्स रिटर्न करेगी। तो इस टाइप से हम लोग जाने कि कैसे हम लोग टैक्स रिटर्न करेंगे, डिफरेंट टाइप से आप कैसे रेट देखेंगे, कैसे रेट तैयार करेंगे और वाउचर एंट्री कैसे करेंगे और हम लोग उसका रिपोर्ट कैसे देखेंगे। तो इतना बना के आप इसको प्रैक्टिस करके देखिए, देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो ही वीडियो हम बनाए समय समय से उसका नोटिफिकेशन आपको उसका मिलते रहेगा।